हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही हेल्पफुल से और बहुत ही अमेजिंग से होम मेंटेनेंस के हैक्स, जिनका यूज़ करके आप टाइम तो बचा ही सकते हैं, कुछ हद तक आप यहाँ पे बहुत सारे पैसे भी बचा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शूज़ तो हम लोग के पास सबके पास होते ही हैं, फिर चाहे वो हमारे स्पोर्ट शूज़ हों या फिर नॉर्मल वेयर के शूज़ हों, लेकिन उनको हमें किस तरह से क्लीन करना चाहिए उसका एक बहुत ही अमेजिंग सा हैक आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, कुछ भी पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। बस आपको जो ये नॉर्मल बैग होते हैं, जो हमारे ग्रॉसरी या कोई भी चीज़ें हम ऑर्डर करते हैं, तो ये वाले जो कपड़े के बैग होते हैं ये हमें ईजिली मिल जाते हैं। बस आपको करना क्या है, इन बैग्स में रखने हैं अपने शूज। और गाइस देखिए, मेरे शूज कितने ज्यादा गंदे हो गए हैं, और इनको क्लीन करवाने के लिए अगर मैं लॉन्ड्री पे भेजती तो काफी ज्यादा पैसा यहाँ पे लगता है। एक बार मैं करवा चुकी हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन सा हैक आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। बस इन बैग्स में अपने शूज को रख दीजिए और अच्छे से इस बैग को, जैसे आप गठान लगाते हैं उस तरह से इसको अच्छे से क्लोज कर दीजिए। और बस आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको डालिए आप अपने वॉशिंग मशीन में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके शू का जो सोल है नीचे वाला, वो बहुत ज्यादा गंदा नहीं होना चाहिए, नहीं तो मशीन भी यहाँ पे खराब होने के चांसेस होते हैं। तो उसको पहले आप ड्राई ब्रश से या किसी से क्लीन कर लीजिए। देन उसके बाद जैसे आप अपने नॉर्मल कपड़े धोते हैं, वैसे यहाँ पे मशीन चालू कर दीजिए। और मैंने यहाँ पे लगा है हाफ एन आवर का स्लॉट, और उसके बाद आप मेरे शूज देखोगे गाइस, तो लिटरली आपको यकीन नहीं होगा, आपको लगेगा कि ये बिल्कुल नए शूज हैं। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे पैसे सेव किए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अपने शूज को लॉन्ड्री पे क्लीन करवाया था, तो वहाँ पे अच्छा खासा अमाउंट हमसे लिया जाता है। तो बस आप मशीन में इस तरह से अपने शूज को वॉश कर सकते हैं। आपके पास किस टाइप की भी मशीन हो, उसमें आपके शूज आसानी से वॉश हो जाएंगे और एकदम नए हो जाएंगे। तो देखिए फाइनल रिजल्ट आप लोग को बताती हूँ किस तरह से यहाँ पे शूज एकदम नए हो चुके हैं। तो गाइज ये वाला हैक आपको कैसा लगा जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। और देखिए जूते बिल्कुल हो चुके हैं नए। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी छोटा बेबी है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। जैसे देखिए, मेरी बेटी यहाँ पे एफर्ट्स डाल रही थी टॉवल को लेने के लिए, क्योंकि उसे अपने हैंड को ड्राई करना था, और बिल्कुल भी उसका हाथ वहाँ पे नहीं पहुँचता है, क्योंकि मेरा जो टॉवल होल्डर है वो बहुत ऊपर लगा हुआ है। तो मैंने उसके लिए एक अलग टॉवल होल्डर यहाँ पे बना दिया है, यहाँ पे ले लिया है एक कमांड हुक, उसको मैं अच्छे से यहाँ पे स्टिक कर दूंगी बिल्कुल उसके हाइट के अकॉर्डिंग, और उसमें हम लगा देंगे एक टॉवल। देन उसके बाद उसके जो एफर्ट्स थे जो वो डाल रही थी वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएंगे, और वो अच्छे से अपने हैंड्स को यहाँ पे ड्राई कर सकती है। तो बस उसके हाइट के अकॉर्डिंग मैंने टॉवल को कर दिया है हैंग, और अब ये देखिए वो बहुत अच्छे से अपना काम खुद कर पा रही है। और ऐसी सारी चीज़ें हमें बच्चों को बिल्कुल सिखानी चाहिए कि अपना काम वो खुद करें। नाउ शी इज़ वेरी हैप्पी। तो नेक्स्ट हैक आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ इस बास्केट को लेके, जिसमें मैं रखती हूँ अपने थोड़े से कॉस्मेटिक्स के सामान, लाइक ये जेल हो गया या फिर मेरी सनस्क्रीम हो गई। तो मैं जब भी इसको पुल या पुश करती हूँ तो ये सारे सामान बिल्कुल गिर जाते हैं। तो इसके लिए एक अमेजिंग सा हैक आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। जो रबर बैंड्स होते हैं ना प्लास्टिक के, उनको आपको कुछ इस तरह से पार्टीशन बना के रख देना है, और ये 3-4 पार्टीशन इसमें कर दीजिए चीज़ों के अकॉर्डिंग। देन उसके बाद आप इसमें बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और फिर जब आप इसे पुल करेंगे या पुश करेंगे तो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। बहुत ही अमेजिंग सा हैक है, जरूर ट्राई कीजिएगा, और कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
वेट टिश्यू को यूज़ करने के बाद हम उसे बिल्कुल क्लोज करके रख देते हैं, लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जैसे जैसे वेट टिश्यूज ख़त्म होते जाते हैं, उनका जो ये ऊपर वाला स्टिक वाला जो पार्ट होता है जिससे वो क्लोज होता है वो फट जाता है, या फिर अगर हमारे बेबीज के हाथ में वो लग जाए तो वो उसे हटा देते हैं, ख़राब हो जाते हैं और कुछ कुछ टिश्यूज इसमें बच जाते हैं, तो वो जो वेट टिश्यू है वो बिल्कुल ड्राई होने के चांसेस होते हैं। जैसे कि देखिए, इस वाले वेट टिश्यू वाले जो पैकेट है उसका ऊपर वाला पार्ट हट चुका है, अब जो कुछ टिश्यूज इसमें बचे हुए हैं वो ड्राई हो जाएंगे। तो इसको ड्राई होने से बचाने के लिए एक अमेजिंग सा ट्रिक आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो जो सेलो टेप होता है बड़ा वाला, उसको आप थोड़ा सा कट कर लीजिए और उसके ऊपर आप इसको अच्छे से स्टिक कर दीजिए, और उसके बाद आपके जो वेट टिश्यू हैं वो बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे। जितने भी वेट टिश्यू हैं आप उनको वेट ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अमेजिंग सा है कि ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके जो वेट टिश्यू वाले पैकेट हैं वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट हैक ये है, देखिए कितना इरिटेटिंग सा नॉइस इस चेयर को पुल करने पे आता है। तो इस चेयर का जो नॉइस आ रहा है उसको ख़त्म करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये फर्नीचर पैड्स, जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल है। बहुत ही अमेजिंग चीज़ मुझे लगी है और मैं इसे अभी से नहीं, इवन बहुत काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं इसे अभी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। रिसेंटली ये सारे जो पैड्स लगे हुए थे मेरे चेयर पे वो ख़राब हो चुके हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं इसको लगा रही हूँ तो आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो गाइज, जो डाइनिंग टेबल को जब हम पुल करते पुश करते तो बहुत ही गंदा सा नॉइस आता है, बहुत ही इरिटेटिंग सा नॉइस वो लगता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए ये फर्नीचर पैड मार्केट में अवेलेबल है, अमेजोन पर भी अवेलेबल है। बस आपको कुछ नहीं करना है, चेयर को उल्टा कीजिए, जिस तरह से मैंने डाइनिंग टेबल पे चेयर को रखा है बिल्कुल उसी तरह से रखिए, इससे चेयर ख़राब भी नहीं होती, टूटने के चांसेस भी नहीं होते हैं। तो बस ये जो पैड है उनको अच्छे से, जैसे ये डबल टेप आता है बिल्कुल उस तरह से ये आता है, बस उसको स्टिक कर दीजिए उसके चारों लेग्स पे, उसके बाद आपका चेयर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करेगा, बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं लगेगा। और गाइज, ये बिल्कुल साइज़ के भी आते हैं, मेरे पास थोड़े से बड़े रखे हुए थे तो इनका यूज़ मुझे करना था इसलिए मैंने ये बड़े वाले लगा दिए हैं, अदरवाइज आपके चेयर के अकॉर्डिंग आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे पैड्स आप अपने डाइनिंग चेयर पे लगा दीजिए, उसके बाद आपको जो इरिटेटिंग सा नॉइज़ जो अभी आ रहा था वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। आगे वाले क्लिप में आपको बिल्कुल मैं दिखाती हूँ। जब भी हम सेलो टेप या बहुत टाइप के टेप मार्केट में अवेलेबल है उनको यूज़ करते हैं तो कभी भी हमें उनका एंड पॉइंट नहीं मिलता है, और काम करने में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, इरिटेशन होता है, और पेशेंस तो हमारे पास बिल्कुल होता ही नहीं है, मेरे पास तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो गाइज, इस सेलो टेप का एंड हमें ईजिली मिल जाए उसके लिए एक अमेजिंग सा ट्रिक आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक बार अपने सेलो टेप को एक एंड को निकालिए और उसको उसी एंड से थोड़ा सा फोल्ड कर दीजिए नेक्स्ट टाइम के लिए, फिर आपका जो सेलो टेप का एंड है वो कभी भी मिस आउट नहीं होगा, हमेशा आपको इजीली मिल जाएगा। और ये बहुत ही अमेजिंग सा हैक है, इसको ज़रूर ट्राई करना। इसको करने से बहुत सारा टाइम यहाँ पे बच सकता है, क्योंकि टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और इन सारी चीज़ों में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सो गाइज, यही सारे हैक्स थे जो आज के वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किए हैं। होपफुली वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, लग रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग से वीडियोस के लिए। दैट इज ऑल फॉर टुडे, होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर गाइज आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ऐसे इंटरेस्टिंग से और अमेजिंग से वीडियोस मैं इस चैनल पर बिल्कुल लाती रहती हूँ। तो चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।